नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनप्रीत कौर। एएनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में आप देख रहे हैं अपनो उत्तराखंड। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबरों से। एक दिवसीय दौरे पर उधमसिंह नगर जिले के पंतनगर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची, जहां बीजेपी नेताओं ने राष्ट्रपति का जोरदार स्वागत किया। गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी पंतनगर में आयोजित 35वें दीक्षांत समारोह में द्रौपदी मुर्मू ने शिरकत की। इस दौरान राज्यपाल लेफ्टिनेंट कर्नल गुरमीत सिंह, रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, कृषि मंत्री एवं जनपद प्रभारी मंत्री गणेश जोशी मौजूद रहे। आपको बता दें कि 35वें दीक्षांत समारोह में 626 बैचलर्स डिग्री, 310 मास्टर डिग्री, 105 पीएचडी डिग्री समेत कुल 1041 छात्र छात्राओं को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उपाधि प्रदान करेंगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 3 दिवसीय मुंबई दौरे पर हैं, जहां वह भ्रमण के दौरान उत्साह उमंग से भरे हुए मुंबई वासियों के साथ योग एवं सूर्य नमस्कार किया। मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वस्थ भारत सशक्त भारत के विजन को साकार करने के लिए सभी को नियमित दिनचर्या में योग एवं प्रातःकाल भ्रमण को शामिल करने का संदेश दिया। इस दौरान मुंबई वासियों ने देवभूमि उत्तराखंड भ्रमण के अपने अनुभव को साझा करते हुए प्रदेश सरकार द्वारा की गई व्यवस्थाओं एवं प्रदेशवासियों के सरल व्यवहार एवं सत्कार की प्रशंसा की। उत्तराखंड सरकार ने राज्य में निवेश के लिए उत्साहित विभिन्न क्षेत्रों में उद्योग समूहों के मध्य मुंबई रोड शो में 30,200 करोड़ के एमओयू किए गए हैं। जिन बड़ी कंपनियों से एमओयू किए गए हैं उनमें से कुछ प्रमुख हैं: इमेजिका थीम पार्क, आत्मनंद रिजॉर्ट, एससीएमई सौरसेल विनिर्माण, सीटीआरएलएस समेत कई कंपनियों ने उत्तराखंड में इन्वेस्ट करने की बात कही और साइन भी किए हैं। इसके साथ ही कुछ अन्य महत्वपूर्ण फर्मों में से बातचीत हुई है, जिनमें जेएसडब्ल्यू स्पोर्ट्स, गोदरेज केमिकल्स, एस्टार भोजन व वी अर्जुन लॉजिस्टिक पार्क प्रमुख हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में अब तक देश से बाहर लंदन, बार्मिंघम, अबूधाबी, दुबई में 4 इंटरनेशनल रोड शो हो चुके हैं, जबकि देश भर में प्रदेश सरकार दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु, अहमदाबाद और मुंबई में रोड शो कर चुकी है। बीते 14 सितंबर और 4 अक्टूबर को धामी सरकार दिल्ली में 26,575 करोड़ साइन करवाए हैं। My name is Manora, Senior Vice President Maharashtra from Mumbai Agriculture Industries. अभी हम यहाँ पे जो इन्वॉल्व कर रहे हैं हमारे अध्यक्ष के साथ आए हैं, हमारा एक यूनिट है सुक्रोज बनाने का, वैरायटी ऑफ सुक्रोज एंड शुगर स्पीयर फार्मा कंपनी में यूज होता है। हमारा भी इंटरेस्ट है इधर 200-300 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट करने का, और वो हिसाब से हम आगे पैदल रखने वाले हैं। और अंडर द गाइडेंस ऑफ अपने मुख्यमंत्री साहब जो डायनेमिक हैं, उनके मार्गदर्शन में हम ये करेंगे, इसे हमें है। Hi, my name is Rajesh Bhatt and I'm actually a producer from Bollywood. My one of the famous movie is Bajrangi Bhaijaan, Salman Khan's starrer. And now today it was my privilege to meet the CM Mr. Pushkar Dhami ji, and such a down to earth, and really I had a very good meeting with him. And I'm representing one more company called Thyagaraja Group from Madurai. And we want to invest in solar in Uttarakhand. And Dhamiji has personally told to come invest, what all the support you want, the government will give. So we are looking around 5,000 to 6,000 crores invest in Uttarakhand. Any support from my side also, we are ready to invest in making a film city. Now in Uttar Pradesh, Yogi ji has, and already they have started there. So same thing we are planning on. So it's in planning stage. If everything goes well, I think we will get the best of the film city in the world. We can, we have the tie-up with the Universal Studios from LA. We will have a joint venture and we can invest in Uttarakhand. मेरा नाम पंकज सैनी है, मैं क्रोमा एटोर से हूँ।
और हम उत्तराखंड के इन्वेस्टमेंट मीट में आए हैं। यहाँ पर हम 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हमने प्रपोज किया है उत्तराखंड में, और जल्दी ही हम ये चाहते हैं कि उत्तराखंड गवर्नमेंट के साथ मिलकर हम पूरे प्रदेश में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें और आगे बढ़े, खुद भी बढ़े और लेकिन साथ में यहाँ के लोगों को भी बढ़ाएं। मुख्यमंत्री जी का बहुत ही अच्छा रिस्पांस है और मैंने पहली बार देखा है कि मुख्यमंत्री इतने सीनियर लेवल पर होने के बावजूद हर चीज़ को डिटेल में जानना चाहते हैं और हर चीज़ में डिटेल में पूछा उन्होंने मुझसे, तो ये बहुत ही मुझे अच्छा लगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जोगेंद्र पुंडीर ने अपना जन्म दिवस बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ रक्तदान दिवस के रूप में मनाया। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी वहां पहुंचकर उनको शुभकामनाएं दी। रक्तदान के मौके पर कई लोगों ने रक्तदान देकर कई लोगों के जीवन बचाने का संकल्प लिया। इस दौरान महेंद्र भट्ट ने जोगेंद्र पुंडीर को जन्मदिवस के साथ ही इस कार्यक्रम की भी शुभकामनाएं दी। इसके साथ दोनों अध्यक्षों द्वारा निर्धन लोगों को सर्दी से बचने के लिए कंबल का वितरण भी किया गया। मैं परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करते आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और क्षेत्र के जो मेरे सम्मानित बुजुर्ग हैं, मां शक्ति है, वे नौजवान और अपने संगठन के जितने भी अपने सहयोगी हैं, आज इनका जो अपार स्नेह मिला, मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ये सहयोग और अपनापन, हमारा एक पारिवारिक रिश्ता हमेशा बना रहे और हम जो वसुदेव कुटुम्बकम और सर्वे भवन्तु सुखिना की संस्कृति पर चलने वाले हैं, हम अपनी खुशियों में ऐसे ही रचनात्मक काम करेंगे। तो मैं समझता हूं कि जो हमारी एक भारत श्रेष्ठ भारत, युवा भारत, सुदृढ़ भारत और विश्वगुरु भारत की जो परिकल्पना है वो तभी सार्थक होगी। अब दो दिन बाद हमारा राज्य स्थापना दिवस भी है। मैं अपने प्रदेश के सर्वोच्च बलिदानी आंदोलनकारियों को सशक्त नमन करते हुए परमपिता परमेश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि हम उनके जो सपनों का एक प्रदेश था उसको बनाने में दिन रात एक करें और जो अपने यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि आने वाला दशक हमारे उत्तराखंड का होगा और हम पूरे भारत में अग्रणी राज्य होंगे, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता दिन रात काम कर रहा है और मैं सभी से निवेदन करता हूं कि हम अच्छे और सच्चे मन से, नेक नीति, ईमानदारी से जरूरतमंद, अभावग्रस्त और जो वंचित हैं, जो पिछड़े हैं, उनको अपनी ओर से जो भी सहयोग बन पड़े परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद से हम उनका सहयोग करके उनको जो हमारा एक संगठन है अंत्योदय का लक्ष्य, अंत्योदय का लक्ष्य हम तभी हासिल कर पाएंगे जब हम अपनी ओर से जितने हम अपने अधिकारियों के प्रति चिंतित रहते हैं, हम अपने कर्तव्य का भी निर्वहन करेंगे, तब मैं समझूंगा कि हम उस लक्ष्य को बहुत जल्दी हासिल करेंगे। एक बार पुनः मैं आप सभी का हार्दिक आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष हैं और बहुत सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इनका क्षेत्र में अपना एक स्थान है, कृषक हैं और बड़ी संख्या में जो इनका समाज के भीतर इनकी जो पहचान है, जो इनके द्वारा सामाजिक क्षेत्र में काम किया जाए तो सराहना होती है। आज वो 53वें वर्ष में प्रवेश में रक्तदान का शिविर है और रक्तदान करके जहाँ अनेकों ऐसे लोग जिनको जीवन बचाने के लिए खून की आवश्यकता है, ये बहुत बड़ा एक कंसेप्ट, एक विचार उनके द्वारा हुआ है। आगामी दिनों इससे और अच्छा काम अपने जीवन काल में करेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बीते दिनों बसपा के मंगलोर विधायक हाजी सरवत करीम अंसारी का बीमारी के दौरान नोएडा के एक अस्पताल में निधन हो गया था। विधायक के इंतकाल के बाद मंगलोर कस्बे में शोक की लहर दौड़ गई थी। विधायक के निधन के बाद कांग्रेस, बीजेपी, आम पार्टी के कई दिग्गज नेता श्रद्धांजलि देने के लिए उनके निवास पर पहुंच रहे हैं। वहीं सूचना मिलने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी शोक प्रकट किया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट मंगलोर पहुंचे और विधायक के घर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि देते हुए महेंद्र भट्ट ने कहा कि हाजी सरवत करीम अंसारी बेहद ही सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। मंगलोर विधानसभा से दो बार विधायक रह चुके हैं। उनके द्वारा सामाजिक योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। वो हमारे बीच में नहीं है। इस दुख की घड़ी में उनके परिजनों से मिलकर सांत्वना दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हमेशा विधायक के परिजनों के साथ है।
अंसारी जी का बहुत बड़ा क्षेत्र में प्रभाव था, दो बार लगातार विधायक रहे और उनका जो व्यवहार था वो सबको आकर्षित करता था। समाज के हर वर्ग में उन्होंने अपना स्थान बनाया हुआ था। आज हमारे मध्य नहीं है क्योंकि उस दिन मेरा आना संभव नहीं हो पाया था। आज मैं उनके परिवार में आया, उनके दोनों पुत्रों से मेरी भेंट हुई है और एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते जो उनका सामाजिक योगदान है सदैव बना रहे, ऐसा हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। और अब मैंने दोनों भाइयों से कहा भी है कि क्योंकि सरकार हमारी है, इस नाते जहाँ भी आपको सरकार के नाते कोई आवश्यकता महसूस होगी हम परिवार साथ खड़े हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तराखंड बीजेपी ने प्रदेश के 17 प्रकोष्ठों में से 13 प्रकोष्ठों का गठन कर दिया है, जिसमें एक संयोजक और 5 सह संयोजक बनाए गए हैं। इस संबंध में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश स्तर पर यह प्रकोष्ठ आज से कार्य करेंगे। इसी तरह से संगठन की संरचना जिला स्तर पर बनाई जाएगी। इसके अतिरिक्त जल्द ही विकलांग प्रकोष्ठ, सेवा निर्मित कर्मचारी प्रकोष्ठ और खेल प्रकोष्ठ की घोषणा की जाएगी, जिसके बाद केंद्र से निर्देश मिलने पर एक और प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा। आगामी 2024 के चुनाव को देखते हुए पार्टी ने यह निर्णय लिया है। सत्रह में से 13 प्रकोष्ठों की हमने आज विधिवत घोषणा की है, जिसमें एक संयोजक और 5 सह संयोजक पूरे प्रांत स्तर पर होंगे और प्रकोष्ठ हमारे 6 लोगों की अधिकतम टीम रहेगी। कुछ जगह हमने अभी 4 हैं, कहीं एक दो नाम अभी घोषित किए हैं सह संयोजक के नाते, लेकिन संयोजक हमारे 13 के 13 प्रकोष्ठ के घोषित हो चुके हैं, जिनमें चिकित्सा प्रकोष्ठ है, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ है, व्यवसायिक प्रकोष्ठ है, पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ है, शिक्षक प्रकोष्ठ है, धर्म संस्कृति प्रकोष्ठ है, गोरखा प्रकोष्ठ है, आर्थिक प्रकोष्ठ है, NGO प्रकोष्ठ है, स्थानीय निकाय प्रकोष्ठ है, पंचायत प्रकोष्ठ है, बुनकर प्रकोष्ठ है, मछुआरा प्रकोष्ठ है और 3 प्रकोष्ठ जो हम बहुत जल्दी घोषित करेंगे, उसमें विकलांग प्रकोष्ठ, सेवानिवृत्त कर्मचारी प्रकोष्ठ और खेल प्रकोष्ठ। तो 16 प्रकोष्ठ हमारे बनेंगे। एक प्रकोष्ठ को हमको भी और अनुमति मिलेगी, जब अनुमति मिलेगी उसका उस प्रकोष्ठ के बारे में आपको बताऊंगा। ये प्रकोष्ठ आज से ही हमारे गतिमान हो गए। इसी प्रकार की संरचना हमारी जिला स्तर पर बनेगी और यही संरचना हमारी फिर मंडल स्तर तक की गठित होगी और समाज के हर क्षेत्र के लोगों को इसके माध्यम से हम पार्टी की गतिविधियों में जोड़ेंगे। ये आज की विधिवत घोषणा में आप। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राज्य गठन के बाद से उत्तराखंड में सबसे ज्यादा क्या बढ़ा? जनसंख्या, असमानता, पलायन और आपदाएं। अनुमान है कि पिछले 2 दशकों में देशों में 36 और उत्तराखंड में 50 से भी अधिक जनसंख्या बढ़ी है। 2021 में जनगणना नहीं हुई, लेकिन अनुमान है कि पिछले 2 दशक में उत्तराखंड में औसत हर वर्ष 2 लाख लोगों की बढ़ोतरी हुई है। इस पर कांग्रेस के संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि जब से यह राज्य बना है इसमें तब से अब तक सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी, रोजगार को लेकर तब भी आंदोलन हुआ करते थे और अभी भी आंदोलन हो रहे हैं, उसमें राज्य कोई भी टारगेट अचीव नहीं कर पाया। आज भी इस प्रदेश में बेरोजगारी के ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है, बेरोजगारों के खून से होली खेलने का काम प्रदेश में हो रहा है, चाहे सरकार किसी की भी हो रही हो। देखिए, जिन मुद्दों से लेकर ये राज्य आंदोलन चला था और राज्य का निर्माण हुआ था, सबसे बड़ी बात थी बेरोजगारी, रोजगार को लेकर आंदोलन हुआ था। उसमें हम कोई भी टारगेट अचीव नहीं कर पाए। आज भी इस प्रदेश में बेरोजगारों के ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है, बेरोजगारों के खून से होली खेलने का काम इस प्रदेश में आज भी हो रहा है, चाहे वो सरकारें किसी की रही हो। और आज की सरकार ने तो बिल्कुल ही हद पार कर दी है, जिस तरह नौजवानों को सड़क पर लिटा लिटा कर पीटा गया है, रोजगार के कोई संसाधन सृजित करने का काम इस सरकार ने नहीं किया। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा था भू कानून। तीसरा, प्रदेश की अर्थव्यवस्था, कोई आर्थिक संसाधन कहाँ से जुड़ेंगे इस तरफ नई सरकारों ने कोई ध्यान नहीं दिया है। शराब नीति, खनन नीति, क्या आपने किया इस प्रदेश में? ये ठीक है, हाँ कुछ राजनीतिक नेतृत्व तो हमने जरूर पैदा किया, कुछ राजनीतिक लोगों को रोजगार देने का काम हमने जरूर किया, बाकी मैं नहीं समझता हूँ कि बड़ी उपलब्धि हुई है। हाँ ठीक है, राज्य बन गया, राज्य में कुछ चीज़ें पर कैपिटा इनकम कुछ बढ़ी है, कुछ कम हुई है, कुछ तरीके के नए नए काम यहाँ पर हुए हैं, नए नए पद सृजित आपके हुए हैं,
लेकिन जो मूलभूत काम है, बेरोजगारी है, भू कानून है, खनन, अवैध खनन का मामला है, अवैध शराब का व्यापार है, इसमें हम अंकुश लगाने में अभी तक विफल रहे। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है, बढ़ते हैं अगली खबरों की तरफ। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान हाल ही में 4 जिलों का दौरा करके लौटे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और आशीर्वाद से उत्तराखंड में लगातार विकास के अद्भुत कार्य हो रहे हैं और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश के विकास के लिए नए आयाम स्थापित किए गए हैं। उसको लेकर मीडिया विभाग ने प्रदेश भर में पत्रकार श्रृंखला का आयोजन रखा गया। उन्होंने कहा कि साथ ही हमारे जिले की एक सोशल मीडिया टीम एवं आईटी की टीम, उनके साथ भी हमने बैठक की और आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सभी को सक्रिय होकर अपने केंद्र और प्रदेश की सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जो उत्तराखंड के लिए केंद्र सरकार द्वारा सौगातें दी गई है। देखिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी की जो डबल इंजन की सरकार है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन और आशीर्वाद से उत्तराखंड के अंदर जो विकास के अद्भुत कार्य हो रहे हैं और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जो प्रदेश के विकास के लिए जो उनके द्वारा नए आयाम स्थापित किए गए हैं, उसको लेकर के हमारे मीडिया विभाग के द्वारा पूरे प्रदेश भर में सभी जिला मुख्यालयों में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं और हमारे वरिष्ठ नेताओं के द्वारा मैंने एक पत्रकार श्रृंखला का आयोजन रखा। इसी निमित्त मुझे भी चंपावत, पिथौरागढ़, बागेश्वर और चमोली जिले में प्रवास पर रहा, जिसमें हमने अपनी सरकार की उपलब्धियों को मीडिया को बताते हुए, साथ ही हमारा जो जिले की हमारी मीडिया की टीम है, सोशल मीडिया की टीम है, आईटी की टीम है, उनके साथ भी हमने बैठक की और आगामी 2024 को चुनाव को लेकर के सभी को सक्रिय होकर के अपने केंद्र और प्रदेश की सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, जो हमारे प्रदेश के लिए केंद्र सरकार के द्वारा सौगातें दी गई हैं और जो जनहितैषी कल्याणकारी योजनाएं प्रदेश के अंदर संचालित हो रही हैं, उसको लेकर के अधिक से अधिक आम व्यक्ति तक उसका लाभ मिले और बूथ स्तर तक इसकी जानकारियों को देने के लिए, अभियान चलाने के लिए मैंने अपने मीडिया टीम के सभी सदस्यों को कहा है। और जिस प्रकार से पूरे प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा किए कार्य और आदरणीय प्रधानमंत्री का जो आशीर्वाद यहाँ मिला है, उसको लेकर के जो पूरे उत्तराखंड की जनता का जो माहौल बनाव है, मुझे लगता है 2024 के चुनाव में 2014 और 19 के मुकाबले हमें और अधिक मत प्रतिशत प्रचंड जीत 5 सीटों पर मिलने वाली है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जिला अधिकारी सोनिका की अध्यक्षता में देहरादून स्थित ऋषि पन्ना सभागार कलेक्टर में जन सुनवाई का आयोजन किया गया। जन सुनवाई में करीब 100 से ज्यादा शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें अधिकतर शिकायतें भूमि से संबंधित प्राप्त हुई। इसके अतिरिक्त आपसी विवाद, बिजली पानी की शिकायतें प्राप्त हुई। जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि वरिष्ठ नागरिकों की शिकायतों पर त्वरित संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करें ताकि किसी को भटकना ना पड़े। कुछ शिकायतों का मौके पर ही निस्तांतरण किया गया। करीबन 100+ शिकायतें हमारे पास और आज ज्यादातर शिकायतें लैंड डिस्प्यूट से रिलेटेड थी, प्राइवेट लैंड डिस्प्यूट से ज़्यादा रिलेटेड थी कि अड़ोसी पड़ोसी की लड़ाई है या कब्ज़ा नहीं दिया है या रजिस्ट्री करा दी है, पेमेंट देने के बाद भी कब्ज़ा नहीं हुआ। इस तरह की बहुत अलग अलग तरह की शिकायतें हैं प्राइवेट डिस्प्यूट्स के बारे में। इसके अलावा सीनियर सिटीजन्स की हमारे यहाँ आ रही हैं शिकायतें रेगुलर बेसिस पे, और बिजली पानी या आपदा वो तो हमारे पास रेगुलर बेसिस पे आती है, लेकिन ये दो। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पुलिस अधीक्षक जिला उधमसिंह नगर की ओर से सभी थाना प्रभारियों को जिले में वीआईपी प्रोग्राम के तहत बॉर्डर एरिया में सघन चेकिंग अभियान चलाकर संदिग्ध लोगों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। इसी कड़ी में पुलिस अधीक्षक नगर रुद्रपुर, पुलिस अधीक्षक अपराध और क्षेत्राधिकारी सितारागंज के निर्देशन में थाना अध्यक्ष
पुल भट्टा के नेतृत्व में गठित टीम ने बहेड़ी बरेली बॉर्डर पर सघन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान बहेड़ी बरेली की ओर से आ रही बाइक पर संदिग्ध व्यक्ति ने पुलिस टीम को चेकिंग करता देख वापस भागने लगा, जिसके बाद पुलिस ने पीछा कर उसे पकड़ लिया। आरोपी के पास से पुलिस ने 140 ग्राम अवैध स्मैक बरामद की है। वहीं दूसरे आरोपी को पुलिस ने ब्रह्म प्रकाश के पास से 100 ग्राम अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई कर रही है। किया जा रहा है कि वर्ष 2025 तक उत्तराखंड जो कि एक देवभूमि है इसे नशा मुक्त बनाना है, इसी अभियान को हम लोग लगातार चलाए जा रहे हैं। और इस अभियान के दौरान ही कल महामहिम राष्ट्रपति महोदय का विजिट है जनपद में, उसी के दृष्टिगत हम लोग बॉर्डर पर सघन चेकिंग हम लोग कर रहे थे और उसी चेकिंग के दौरान हमें एक बड़ी सफलता मिली है जिसमें 240 ग्राम स्मैक हमें बरामद हुई है, 240 ग्राम जिसमें दो अभियुक्तों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है और ये दोनों अभियुक्त जो है बरेली क्षेत्र के रहने वाले हैं और इनसे बड़ी मात्रा में ये जो स्मैक बरामद हुई है इनसे जानकारी की गई तो ये बरेली से ही इसको ला रहे थे सेल करने के लिए। यहाँ के लोकल जो कस्बे हैं जैसे सितारगंज हो गया, पुलभट्टा हो गया, किच्छा हो गया, यहाँ पे इसको रिटेल में लोग बेचने वाले थे और इससे बड़ी मात्रा में जो लोगों को एक नशे के गर्त में जाने से हम लोगों ने बचाया है और इन लोगों से जो भी जानकारी हमें मिली है उसको हम लोग डेवलप करके इसकी बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस को भी हम लोग ट्रेस करने का प्रयास करेंगे। इस टीम में पंकज पवन जोशी महिंदर ये कांस्टेबल ये पूरी टीम जो है ये शामिल थी और ये CO सितारगंज और SO पुलभट्टा कमलेश भट्ट जी के नेतृत्व में एक टीम काम कर रही थी और इस टीम को इस सराहनीय कार्य के लिए SSP साहब द्वारा 2500 रुपये के इनाम से भी पुरस्कृत किया गया है और हम उम्मीद करते हैं कि अभियान लगातार भविष्य में भी जारी रहेगा और हम लोग इसी प्रकार से नशे के खिलाफ कड़ा प्रहार हम लोग करते रहेंगे और मैसेज इसमें बिल्कुल क्लियर है, जो भी नशे का कारोबार करेगा वो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी हम कार्रवाई करेंगे और उसे किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। इन दोनों क्रिमिनल्स की भी हम लोग क्रिमिनल हिस्ट्री की जानकारी कर रहे हैं जिसके आधार पर इनके विरुद्ध भी उनके प्रॉपर्टी अटैचमेंट इत्यादि की कार्रवाई और गैंगस्टर की कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी इनके विरुद्ध। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। त्योहारी सीजन को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम लगातार छापेमारी अभियान चला रही है। इसी कड़ी में रुड़की शहर की कई दुकानों में खाद्य विभाग ने छापेमारी अभियान चलाया और दुकानों से मिठाई के सैंपल लिए, जिसमें दुकानदारों में हड़कंप मच गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कहा कि उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देश पर शहर और देहात क्षेत्रों में लगातार कार्रवाई चल रही है। त्योहारी सीजन में मिलावटखोर सक्रिय हो जाते हैं और बाहरी राज्यों से मिठाई मावे की सप्लाई होती है, इसलिए नमूने लिए जा रहे हैं और अगर जांच में कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। आगे उन्होंने बताया कि अभियान लगातार जारी रहेगा। ये त्योहारों के मद्देनजर रखते हुए हमने टीम बना रखी है, टीम लगातार कार्य कर रही है क्योंकि त्योहारों में खपत अधिक होने के कारण मिलावट की आशंका ज़्यादा रहती है। तो पहले हमने बॉर्डर पे जितने हमारा पनीर मावा मिठाई बन के आ रही थी उस पर हमने कार्रवाई की थी और हमें संयुक्त रूप से प्रशासन और पुलिस के साथ भी कार्रवाई की थी, हमने कई जगह पकड़ा भी इस तरह का मिलावटी जो हम संदिग्ध लग रहा था उसे डिस्ट्रॉय भी किया, सैंपल भी लिए गए थे। और उसके बाद आज हम शहर में भी कार्रवाई कर रहे हैं, शहर में जो हम दुकानों में जो मिठाई आजकल सज रही है उसको हम ये देखना चाहते हैं कि इसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट एक्सपायरी डेट लिखी है कि नहीं लिखी है और कहीं संदेह हो रहा है तो उनको हम सैंपल जांच के लिए ले रहे हैं और अगर किचन में कहीं गंदगी पाई जा रही है उनको नोटिस भी जारी कर रहे हैं, अगर ऐसा कोई मामला पकड़ा जाता तो हम इस पर कार्रवाई FSSAI के अंतर करें। फिलहाल मेरे साथ अपनो उत्तराखंड के स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।